हेलो जेफियंस, जेफी मेंबर्स, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं और वो टॉपिक है लेटर राइटिंग। इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को तीन तरह के लेटर लिखना बताऊंगा। सबसे पहले तो होगी जॉब एप्लीकेशन, उसके बाद होगा लेटर्स टू द एडिटर और सबका लास्ट वाला जो है पर्सनल लेटर। अब यहाँ पर यह बात याद रखिए कि ये तीनों लेटर एक दूसरे से कुछ हद तक अलग अलग है, थोड़े से अलग अलग है। अगर आप लोग कोई एक लेटर भी लिखना सीख जाते हैं, जैसे कि आप जॉब एप्लीकेशन ये वाला लिखना सीख जाते हैं, तो बाकी लेटर्स भी आप लोग आसानी के साथ लिख ले सकते हैं। थोड़ा सा चेंज होता है, वो चेंज क्या होता है मैं आपको बता दूंगा। एक्चुअली मैं आपको ये एक लेटर बताऊंगा और आप बाकी लेटर थोड़े से चेंजेस के साथ आराम से लिख सकेंगे। अगर आपको व्हाइट बोर्ड की राइटिंग थोड़ी बारीक दिख रही है तो बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, जो भी तीनों लेटर मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा उनके स्क्रीनशॉट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगा। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में या कमेंट्स में या दोनों जगह मैं आप लोगों के साथ इनकी पीडीएफ फाइल भी शेयर कर लूँगा। शुरू करते हैं हम लोग लेटर की डेफिनेशन से। एक ऐसा टॉपिक जो हम लोग काफ़ी टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, उर्दू, हिंदी, मराठी या इंग्लिश लैंग्वेजेस में। सिंपल सी डेफिनेशन है, लेटर्स क्या हैं? रिटर्न मैसेजेस, हमारे लिखे हुए मैसेजेस हैं फॉर डिस्टेंट पीपल, किन लोगों के लिए जो हमसे दूर है, हमारे पास नहीं है। आप लोग क्लासरूम में बैठे हैं, आपके बाजू आपका दोस्त बैठा है, आप उसे तो लेटर नहीं लिखते कि भाई थोड़ा उधर से रखना, और वो आप लोगों को लेटर का रिप्लाई कर रहा है कि नहीं भाई इधर जगह कम है। तो लेटर्स किन लोगों के लिए? फॉर डिस्टेंट पीपल इन ए फॉर्मेट, एक खास नमूना होता है, एक खास फॉर्मेट होता है, उसमें आप लोगों ने लेटर लिखना है। अब देखिए, लेटर ब्रॉडली दो तरह के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है ऑफिशियल और दूसरे वाला होता है पर्सनल। कुछ लोग ऑफिशियल लेटर को फॉर्मल इस तरह भी कहते हैं। तो लेटर्स दो तरह के होते हैं, एक तो ऑफिशियल या फॉर्मल और दूसरा पर्सनल या इनफॉर्मल। अभी हम लोग ऑफिशियल या फॉर्मल वाला देखते हैं। किसे कहेंगे ऑफिशियल लेटर? जो किसी ऑफिस को एड्रेस करके लिखा जाए, जैसे आप नगर परिषद में सीईओ के नाम पर लेटर लिख रहे हैं, या पुलिस स्टेशन में लिख रहे हैं, आप जो भी वहाँ का इंचार्ज है, पुलिस इंस्पेक्टर है, या आप स्कूल में लिख रहे हैं एचएम को एड्रेस करके, या आप किसी कॉलेज में लिख रहे हैं किसी प्रिंसिपल को एड्रेस करके, तो ऑफिशियल लेटर्स वो लेटर्स जो किसी ऑफिसर को, किसी ऑफिस को एड्रेस करके लिखे जाते हैं। इन लेटर्स में जनरली सात पॉइंट्स आते हैं, किस तरह से इन सात पॉइंट्स को बनाना है, डेवलप करना है, ये हम लोग अभी देखेंगे। तो हम लोग ये पहला फॉर्मल लेटर लिखने जा रहे हैं। ये लेटर इसमें एक एडिटर को लिखा हुआ है। किसे लिखा हुआ है? एडिटर को एड्रेस करके। ये लेटर इसलिए लिखे जाते हैं ताकि आप लोग अपनी जो भी प्रॉब्लम है, अपने एरिया की प्रॉब्लम है, साउंड की या इलेक्ट्रिसिटी की या रोड की या नल की, तो उसको हाईलाइट कर सकें। अगर वो न्यूज़पेपर में हाईलाइट होगी तब हो सकता है कि उस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन जो भी मैनेजमेंट है वो करेगी। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, क्वेश्चन को काफ़ी ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि यहीं पर आप लोगों को आंसर के लिए डिटेल्स मिलने वाली है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है हमारा? राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर। अब यहाँ पर नाम नहीं दिया है, नाम आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं, जो भी रखना है। तो कि राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर ड्रॉइंग अटेंशन टूवर्ड्स सॉइल पॉल्यूशन इन योर एरिया। किस टॉपिक पर लिखना है आप लोगों ने? कि आपके एरिया के आसपास कहीं पर सॉइल पॉल्यूशन हो रहा है, इस पॉल्यूशन को रोकने के लिए आप लोग एक न्यूज़पेपर के एडिटर को लेटर लिख रहे हैं। कितना बड़ा होना चाहिए आपका लेटर? एक 20 लाइन के आसपास। 20 लाइन क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि यहां पर कुछ लाइंस जो है वो काफ़ी छोटी होने वाली है, जिसमें दो तीन या चार वर्ड्स आएंगे। बॉडी वाला जो हमारा पार्ट रहेगा लेटर की बॉडी, जो कि मैं आगे बताऊंगा, तो वो लाइंस फुल आती हैं, बाकी की जो लाइंस है वो थोड़ी छोटी रहेंगी। तो ऑफिशियल लेटर में जो सात अलग अलग पार्ट हैं, उनमें से सबसे पहला हम लोगों ने लिया है सेंडर्स एड्रेस। सेंडर कौन होता है? हम लोग जो लेटर लिख रहे हैं। इसको आप लोगों ने लेफ्ट साइड में लिखना है, ये आप लोगों की मार्जिन है, इससे बिल्कुल लगकर। क्या है सेंडर्स एड्रेस? यहाँ पे आप नाम ना भी दिए तो चलेगा। पीस हाउस, लेन नंबर 6, गांधी कॉलोनी, सिल्लोड, यहाँ पर आप लोगों ने पिन कोड देना है। और ये जो डेट है इसको आप लोगों ने इसी फॉर्मेट में लिखना है। इसके अलावा अगर आप और कोई फॉर्मेट फॉलो करते हैं, जैसे आप ऐसे लिख रहे हैं 1 मई, तो ये गलत होगा। इसी तरह से आप लोगों ने लिखना है, बीच में महीने का नाम और लास्ट में ईयर लिखना है आप लोगों ने। दूसरी जो चीज़ है वो है रिसीवर्स एड्रेस। आपका ये लेटर किसे जाएगा? अब देखिए, पहले इन लेटर्स में यहाँ TO2 लिखा करते थे, या फिर अगर यहाँ पर डेट है तो DATE डेट लिखते थे, लेकिन अभी ये सिस्टम बंद हुआ है, ये आप लोगों ने नहीं लिखना है। ये असल में ब्लॉक फॉर्मेट है। ये लेटर कौन सा है हमारा? ब्लॉक फॉर्मेट का, जो अभी नए सिलेबस के हिसाब से आ रहा है। इसमें क्या होता है, जैसे ये सेंडर्स एड्रेस है और ये रिसीवर्स एड्रेस है, तो इसके बीच में आप लोगों ने गैप छोड़ना है। यहाँ पर ये रिसीवर्स एड्रेस है और सब्जेक्ट है, यहाँ पर आप लोगों ने गैप छोड़ना है, पहली बात। दूसरी बात, सारी चीज़ें लेफ्ट मार्जिन से आएंगी, सारी चीज़ें लेफ्ट साइड में लिखना है आप लोगों को। और तीसरी बात,
ये जो डेट्स डेट है या फिर आप लोगों के पास में टी ओ टू है, तो ये जो अननेसेसरी चीज़ें थी इन्हें कट कर दिया गया है, इन्हें हटा दिया गया है। ठीक है, ब्लॉक फॉर्मेट में कौन सी तीन चीज़ें हैं, सभी लेफ्ट साइड से रिसीवर्स एड्रेस, सेंडर्स एड्रेस, सब्जेक्ट, इनके बीच में एक एक लाइन का आप लोगों ने गैप छोड़ना है। और डी ए टी ई डेट या टी ओ टू ऐसे वर्ड्स लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। किसे लिख रहे हैं आप लोग, दी एडिटर, लोकमत, जालना रोड, औरंगाबाद, और यहाँ पर आप लोगों ने पिन कोड लिखना है उस सिटी का। अगली चीज़ आएंगी तीन नंबर की, वो रहेगा हमारा सब्जेक्ट रिगार्डिंग सॉइल पोल्यूशन। अगर एग्जाम में आप लोगों को सॉइल नहीं आता है, नॉइस पोल्यूशन आता है, तो स्टार्ट ऐसे ही करना आपने, रिगार्डिंग नॉइस पोल्यूशन। या अगर ट्रैफिक से रिलेटेड है तो आप लोग कह सकते हैं रिगार्डिंग ट्रैफिक। अगला जो है वो सैल्यूटेशन आएगा। सैल्यूटेशन यानी किस तरह से आप लोग जिसे भी लेटर लिख रहे हैं उसे आप लोग कैसे एड्रेस करते हैं। ठीक है, सैल्यूटेशन मतलब वहाँ सैल्यूट नहीं कर देना है। रिस्पेक्टेड सर, जो भी ऑफिशियल लेटर रहते हैं उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो रिस्पेक्टेड होता है, आप लोग बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं। कॉमा देकर हम लोग आगे स्टार्ट कर सकते हैं। अब देखिए लेटर की जो स्टार्ट है वो दो एक सेंटेंसेस आप लोगों को याद करना पड़ेंगे, क्योंकि ज़्यादातर लेटर्स में यही सेंटेंसेस से जो है तो लेटर स्टार्ट होता है कि आई विश टू ड्रॉ योर अटेंशन इन ऑर्डर टू हाईलाइट द इंक्रीजिंग प्रॉब्लम ऑफ सॉइल पोल्यूशन क्लोज टू आवर एरिया गांधी कॉलोनी, कि मैं आपका ध्यान हमारे एरिया में जो सॉइल पोल्यूशन हो रहा है गांधी कॉलोनी में तो उधर खींचना चाहता हूँ, उस प्रॉब्लम को हाईलाइट करना चाहता हूँ। बिसाइड्स हाउसहोल्ड वेस्ट, घरेलू कचरे के अलावा सम इंडस्ट्रियल वेस्ट इज ऑल्सो बींग डम्प्ड हियर, कुछ ऐसे छोटी मोटी इंडस्ट्रीज है सिटी में तो वो भी अपना कचरा लाकर हमारे एरिया के पीछे या हमारे एरिया के साइड में कहीं तो डाल रहे हैं, जिससे काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है। इस तरह से आप लोगों को जो चीज़ें हैं, सेंडर्स एड्रेस, रिसीवर्स एड्रेस, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन और बॉडी, इस तरह से कंपोज करना है। 1 2 3 4 5 यहाँ पर हमारा पांचवा पॉइंट लेटर की जो बॉडी है मेन पोर्शन वो चल रहा है। इसके बाद में आ गया और हमारे दो पॉइंट्स आने वाले हैं। जो पार्ट अभी हमारा चल रहा है वो लेटर की बॉडी है, सबसे बड़ा पार्ट यही होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसे हम लोग अलग अलग तीन पैराग्राफ में डिवाइड कर देते हैं, लगभग तीन पैराग्राफ। क्या लिख रहे हैं हम लोग आगे, कि स्मॉल इंडस्ट्रीज हैव बीन टोल्ड टू डंप देयर वेस्ट आउटसाइड द विलेज, के जो कारखाने हैं छोटे मोटे तो उन्हें कहा गया है कि गांव के बाहर दूर एक एरिया है वहां पर अपना वेस्ट जो है तो डंप करना है, फेंकना है ले जाकर। बट दे डोंट बॉदर फॉर दैट, लेकिन वो लोग ऐसा नहीं करते हैं। सो दिस केमिकल वेस्ट इज क्वाइट हैजार्डस, तो ये जो केमिकल वेस्ट है ये काफ़ी जो है तो नुकसानदेह है। याद रखिए क्वाइट दो होते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, एक का मतलब होता है बिल्कुल और एक का मतलब होता है खामोश, साइलेंट। किस तरह से याद रखना है, ये देखिए इसमें ई जो है तो अंदर है, टी के पहले है और यहाँ टी के बाहर है। ठीक है, कोई भी आप लोग सेल्फ सजेस्टेड आइडिया लगा सकते हैं, यानी अगर आप लोगों को कोई ऐसी चीज़ याद नहीं हो रही है जिसके अंदर कन्फ्यूज़न है, तो इंग्लिश में एक टर्म है सेल्फ सजेस्टेड आइडिया, यानी अपने जहन से कोई तो भी वर्ड्स उनके साथ लगा सकते हैं आप लोग। जैसे कि ये स्कूल स्टूडेंट है और ये गेट है, ये गेट के अंदर कैसे रहते हैं स्टूडेंट, साइलेंट रहते हैं, खामोश रहते हैं, और एक बार बाहर गए तो, इस तरह का कोई आइडिया लगा कर आप लोग वर्ड्स को याद रख सकते हैं। तो ये बिल्कुल हैजार्डस है, खतरनाक है कचरा जो है तो, फॉर रेसिडेंट्स, उन लोगों के लिए जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं। बिकॉज ऑफ दिस सॉइल पोल्यूशन एयर पोल्यूशन इज ऑल्सो स्प्रेडिंग लाइक अ वाइल्ड फायर, ये एक फ्रेज है। ठीक है, लाइक अ वाइल्ड फायर, जंगल की आग जैसे, इस सॉइल पोल्यूशन की वजह से क्या हो रहा है, दूसरी तरह का पोल्यूशन एयर पोल्यूशन, ये भी काफ़ी तेज़ी से इस एरिया में फैल रहा है। पैराग्राफ बनाया हम लोगों ने, स्मेल ऑफ केमिकल वेस्ट इज अनबियरेबल, व्हाट आई वांट टू डू इज टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ कंसर्न्ड अथॉरिटीज सो दैट सम एक्शन इज टेकन इन टाइम, मैं ये चाहता हूँ कि इस लेटर के जरिए ये बात जनरल हो, पब्लिक तक पहुँचे, लोगों तक पहुँचे, मैनेजमेंट तक पहुँचे और वो लोग कोई एक्शन ले ताकि ये कचरा यहाँ जो डंप हो रहा है, वेस्ट डंपिंग जो है, तो ये रुक सके। होप इट वर्क्स, उम्मीद है ये काम करेगा। छठी चीज़ है हमारी लीव टेकिंग, यानी यहाँ पर आप लोग लेटर लिखना क्लोज कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं और सबसे लास्ट में आपका नाम आएगा। अब देखिए ये भी लेफ्ट साइड में लिखा है हम लोगों ने लीव टेकिंग और ये नेम, पेपर में मतलब क्वेश्चन में कोई नाम दिया नहीं था कि लेटर कौन लिख रहा है, तो हम लोग यहाँ पर ए बी सी एक्स वाई जेड इस तरह के जो है तो लेटर्स लिख दे सकते हैं, इस तरह का कोई ग्रुप ऑफ लेटर हम लोग लिख सकते हैं। सारी की सारी चीज़ें हमारी जो है तो लेफ्ट मार्जिन में है। इस लेटर में क्या देखा हम लोगों ने, सात चीज़ें हैं जो ऑफिशियल लेटर में आती हैं। सबसे ऊपर सेंडर्स एड्रेस रहेगा, उसके बाद रिसीवर्स एड्रेस, उसके बाद में आएगा हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन के बाद में बॉडी, ये सबसे बड़ा पार्ट होता है। इसके अंदर हम लोग बताते हैं प्रॉब्लम क्या है, हम क्या सॉल्यूशन चाह रहे हैं उसके लिए। उसके बाद में आएगा हमारा लीव टेकिंग और लास्ट में आएगा नेम, असल में जॉब एप्लीकेशन देखेंगे हम लोग अभी, ये भी ऑफिशियल लेटर में ही आता है। ठीक है, हम लोगों ने क्या देखा,
लेटर दो तरह के हैं, एक है ऑफिशियल और एक है पर्सनल। तो ऑफिशियल में हम लोगों ने लेटर टू द एडिटर देखा। अब आप लोग अगर जॉब के लिए एप्लीकेशन लिख रहे हैं, जॉब एप्लीकेशन लिख रहे हैं, तो वो इससे ज़्यादा अलग नहीं होती है, जैसे लेटर टू एडिटर होता है उससे मिलता जुलता होता है। तो हम लोग देखेंगे कि एक लेटर टू एडिटर और एक जॉब एप्लीकेशन, इन दोनों के अंदर बेसिक क्या डिफरेंस होता है। आइए शुरू करते हैं। अब ये देखिए, एग्जाम में कभी कभी कैसे क्वेश्चन होता है कि आप लोगों को एक ऐड की फ़ोटो दी गई होती है, एक ऐड दी हुई होती है। क्या ऐड है? कि एक कंप्यूटर ऑपरेटर चाहिए। मैंने पहले ही बताया था आप लोगों ने क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। क्यों? क्योंकि हमारा जो आंसर का कुछ पार्ट होगा, लेटर कौन लिख रहा है, लेटर किसे लिखा जा रहा है और लेटर में क्या लिखना है, ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलेगी? क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन काफ़ी केयरफुली आप लोगों ने स्टडी करना है। कंप्यूटर ऑपरेटर रिक्वायर्ड, एक कंप्यूटर चलाने वाला बंदा चाहिए, मस्ट बी HSC, उसने HSC होना चाहिए। HSC मतलब हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट, आम जुबान में हम लोग कहते हैं 12वीं, ठीक है, उसे HSC भी कह सकते हैं। या एक वर्ड है, देखिए, इंटरमीडिएट मतलब 12th, 12वीं, लोग इसे शॉर्ट में इंटर भी कहते हैं। ऐसे ही 10वीं का है, हम लोग 10th कह सकते हैं, 10वीं कह सकते हैं। या मैट्रिकुलेशन, उसके लिए जो वर्ड है वो है मैट्रिकुलेशन, लोग पूरा ना बोलते हुए सिर्फ मैट्रिक कहते हैं, मैट्रिक। तो मैट्रिक यानी 10th और इंटरमीडिएट यानी 12th, उसे शॉर्ट में हम लोग HSC कह सकते हैं। MSCIT पास होना चाहिए बंदे ने और इंग्लिश उसकी अच्छी होना चाहिए। किसे लिखना है लेटर हम लोगों ने? द मैनेजर, बॉक्स नंबर 82, राधा कंप्यूटर्स, औरंगाबाद 431001, इस एड्रेस पर लिखना है। सारी की सारी डिटेल क्वेश्चन पेपर में मौजूद है। सवाल ये है, इमेजिन यू आर शेख रईस असलम, पैराडाइज बिल्डिंग। अब ये यहाँ से जो पोर्शन है ये एड्रेस है, ठीक है। पिछले लेटर में, लेटर टू द एडिटर में, हम लोगों को सेंडर का नाम और एड्रेस नहीं दिया गया था, वो लोगों ने, हम लोगों ने दिल से लिखे थे। अभी यहाँ पर दिया गया है कि शेख रईस असलम ये लेटर लिख रहे हैं, कहाँ रहते हैं? पैराडाइज बिल्डिंग, ले नंबर 3, सिल्लोड 431112, एंड राइट अ रिप्लाई। क्या करना है कि आप शेख रईस असलम हैं, आपने ये ऐड पढ़े, आपके अंदर ये क्वालिफिकेशन है कि आप 12th हैं, आप MSCIT पास्ड हैं, आपकी इंग्लिश अच्छी है, ठीक है, और आपने इस ऐड का रिप्लाई देना है। आपने बताना है कि मैं ये नौकरी करना चाहता हूँ और एक जॉब एप्लीकेशन लिखनी है। आपने क्या लिखनी है? जॉब एप्लीकेशन। हम लोग ऑफिशियल लेटर देख रहे हैं, पहला वाला जो लेटर था वो भी ऑफिशियल का ही पार्ट था, लेटर टू द एडिटर, और ये वाला जो है नौकरी के लिए दरखास्त, जॉब एप्लीकेशन, ये भी ऑफिशियल लेटर है। इसके बाद में हम लोग पर्सनल लेटर की एक एग्जांपल देखेंगे, किस तरह से प्रिपेयर करना है हम लोग देखते हैं। आंसर की शुरुआत करते हैं हम लोग। क्या लिखा हम लोगों ने? लेफ्ट साइड में हम लोगों ने लिखा वही एड्रेस, वही नाम जो हम लोगों को क्वेश्चन पेपर में दिया गया था, शेख रईस असलम, पैराडाइज बिल्डिंग, लेन नंबर 3, टीचर्स कॉलोनी, सिल्लोड। आगे पिन कोड दिया हम लोगों ने 431112, फर्स्ट में 2021। अब यहाँ पर देखिए, ये टीचर्स में एस के बाद मैंने अपोस्ट्रॉफी दिया हूँ, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। एस इंग्लिश में दो तरह के होते हैं, एक एस तो प्लूरल वाला है, जैसे आप लोग बुक लिख रहे हैं यानी एक बुक, और आप लोग बुक्स लिख रहे हैं यानी ज़्यादा बुक्स। तो यहाँ पर जो आप एस ऐड कर रहे हैं ये प्लूरल वाला एस ऐड कर रहे हैं, लेकिन अगर आप लोग बुक और अपोस्ट्रॉफी देकर ए लिख रहे हैं तो ये ए प्लूरल वाला, ये एस प्लूरल वाला नहीं है, ये कौन सा है? यह है एपोस्ट्रॉफी, इसका मतलब होगा का, की या के। जैसे कि बुक्स प्राइस, बुक की कीमत, बुक्स कलर, बुक का कलर, इस तरह से। अब अगर कोई वर्ड ऑलरेडी प्लूरल है, जैसे बुक्स, काफ़ी सारी किताबें, और उन सारी किताबों की आप लोगों को कीमत बोलना है, तो आप कैसे बोलेंगे? ये प्लूरल वाले इसके बाद आप लोग एपोस्ट्रॉफी नहीं लगा सकते, बुक्स प्राइस, इस तरह से हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो अगर कोई वर्ड इस तरह से ख़त्म हो रहा है तो हम लोग उसके एंड में एपोस्ट्रॉफी दे देते हैं, सिर्फ एपोस्ट्रॉफी, आप लोगों ने एस नहीं लिखना है। इसका क्या मतलब होगा कि ये वाला जो एस है ये प्लूरल के लिए है, और इसके बाद में जो एपोस्ट्रॉफी दिया गया है तो यहाँ पर एक एपोस्ट्रॉफी एस है, ऐसे कंसिडर किया जाता है। बुक्स प्राइस, अगर आप लोग ऐसे लिख रहे हैं यहाँ, मतलब ज़्यादा किताबों की कीमत, इस तरह से इसका मतलब होगा। तो टीचर्स कॉलोनी, जहाँ पर एक से ज़्यादा टीचर्स हैं, तो लेफ्ट साइड में, लेफ्ट मार्जिन में हम लोग सेंडर्स एड्रेस लिखते हैं। ये हो गया आपका सेंडर्स एड्रेस, एस ए लिख देता हूँ मैं। उसके बाद में ये हो गया आपका रिसीवर्स एड्रेस, लेटर किसे जा रहा है? द मैनेजर, बॉक्स 82, राधा कंप्यूटर्स, औरंगाबाद, और आगे पिन कोड लिखा हम लोगों ने। अगली जो चीज़ है 3 नंबर पर, वो यहाँ हम लोगों ने असल में एक रेफरेंस दिए हैं। रेफरेंस क्या होता है कि आप लोग ये लेटर क्यों लिख रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग यहाँ बता रहे हैं कि यू आर एड इन लोकमत डेटेड 30th अप्रैल 2021, कि मैं ये फर्स्ट मई को ये लेटर इसलिए लिख रहा हूँ
क्योंकि एक दिन पहले 30th of April को आपने जो ऐड दिए थे मैं उसमें इंटरेस्टेड हूँ। अगली जो चीज़ है वो आप लोगों ने सब्जेक्ट इंक्लूड करना है। आप लोग ये एप्लीकेशन क्यों लिख रहे हैं? एप्लीकेशन फॉर कंप्यूटर ऑपरेटर पोस्ट, या आप लोग ऐसे लिख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटर, कि मुझे कंप्यूटर ऑपरेटर होना है, उसके लिए मैं ये एप्लीकेशन लिख रहा हूँ। कितनी चीज़ें होगी हमारी? 1, 2 and 3। यहाँ पर आप लोगों की 3 चीज़ें इंक्लूड हो गई। तो हम लोग जॉब के लिए एक एप्लीकेशन लिख रहे हैं। हम लोगों ने इससे पहले ये देखा कि लेफ्ट साइड में आप लोगों ने सेंडर से एड्रेस लिखना है, उसके बाद रिसीवर से एड्रेस लिखना है, और उसके बाद में रेफरेंस के बाद सब्जेक्ट लिखना है कि आप लोग ये एप्लीकेशन क्यों लिख रहे हैं। अब हमारी आगे जो चीज़ें हैं, सैल्यूटेशन है, बॉडी है, लीव टेकिंग है और नेम है। सैल्यूटेशन में आप लोग लिख सकते हैं रिस्पेक्टेड सर। ये एक ऐसा सैल्यूटेशन है जो हर तरह के ऑफिशियल लेटर में यूज़फुल है, आप लोग बिल्कुल लिख सकते हैं। बॉडी में हम लोग लिख रहे हैं रेफरिंग द एड इन लोकमत डेटेड 30th of April 2021, आई विश टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटर। आप लोग जो कंपनी आपको हायर कर रही है उन्हें बता रहे हैं कि आपने एक ऐड दिए थे लोकमत पेपर में 30th of April को, तो मैं ये एप्लीकेशन उसके रिस्पांस में लिख रहा हूँ, उसके जवाब में लिख रहा हूँ। और मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं अप्लाई करना चाहता हूँ कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट के लिए। 2 से 3 पैराग्राफ में आप लोगों का ये जो लेटर की बॉडी है, 5th जो पोर्शन है ये बटा हुआ रहेगा, डिवाइडेड रहेगा। और देखिए ये लेटर भी हम लोग ब्लॉक फॉर्मेट में लिख रहे हैं। क्या है ब्लॉक फॉर्मेट? लेफ्ट साइड से चीज़ें शुरू होंगी, और जैसे कि ये बॉडी है और उसके बाद में है लीव टेकिंग, तो इनके बीच में एक लाइन का जो है तो स्पेस रहेगा। और जो अननेसेसरी वर्ड्स रहते हैं टू या डेट, डेट या ये हम लोग इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं। हम लोग बता रहे हैं आई हैव पास्ड HSC विद 70% मार्क्स विद साइंस, कि मैं साइंस फैकल्टी से था और मेरा परसेंटेज 70 है। ड्यूरिंग माई स्टडीज़ आई हैड ऑल्सो ज्वाइंट MSCIT। MSCIT क्या है? एक कंप्यूटर कोर्स है। सवाल में हमें बताया गया था कि आपने MSCIT पास रहना, हम बता रहे हैं कि हमने ये किए हैं। एंड हैव पास डेट एज वेल इन June 2020, और मैंने ये ज्वाइन भी किया था और June 2020 में मैंने इसे पास भी कर लिया। ऑल माई एजुकेशन हैज़ बीन विथ इंग्लिश मीडियम, सो आई एम प्रेटी फ्लुएंट इन इंग्लिश। मेरी जो पूरी पढ़ाई हुई है, पूरा एजुकेशन हुआ है, वो इंग्लिश मीडियम से है, तो मेरी इंग्लिश काफ़ी अच्छी है। इफ़ आई एम गिवन एन अपॉर्चुनिटी आई एम श्योर आई विल बी द बेस्ट कैंडिडेट फॉर योर फर्म। अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, चांस मिला, तो मुझे पूरा भरोसा है कि मैं आपकी फर्म के लिए, आपकी कंपनी के लिए, आपके इंस्टीट्यूट के लिए, जो कुछ भी है, एक अच्छा बंदा साबित हूँगा। माई डॉक्यूमेंट्स HSC मार्कशीट, MSCIT सर्टिफिकेट एंड CV हैव बीन अटैच्ड। मेरे जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं मैंने साथ में अटैच किया हूँ यहाँ पर। होप यू कंसिडर इट। उम्मीद है कि आप लोग मुझे मौका देंगे। थैंकिंग यू इन एंटिसिपेशन। थैंक यू कब बोलते हैं हम लोग? जब हमारा काम हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर थैंक यू क्यों कहा जा रहा है? इन एंटिसिपेशन, एंटिसिपेट करना यानी होप करना, एक्सपेक्ट करना, उम्मीद करना, कि उम्मीद है आप लोग मुझे हायर करेंगे, और इसी बिना पर इसीलिए मैं आप लोगों का थैंक्स कर रहा हूँ। यह है लीव टेकिंग, यूअर सिंसियरली। हमेशा इस तरह से ऑफिशियल लेटर में आप लोग लिख सकते हैं यूअर सिंसियरली। और ये नाम कहाँ से मिला था हम लोगों को? ये क्वेश्चन पेपर में दिया गया था। एंक्लोजर, एंक्लोजर क्या होता है? ये देखिए शॉर्ट में आमतौर पर लिखा जाता है ENCL, इसका मतलब होता है इनक्लोजर। मतलब इस एप्लीकेशन के साथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स मैं दे रहा हूँ। क्या दे रहा हूँ? तो HSC की मार्कशीट है, CV है और MSCIT के सर्टिफिकेट हैं। CV क्या होता है? CV का मतलब होता है करिकुलम विटाए, यानी एक आदमी की जो भी पढ़ाई होती है, जो भी उसने कोर्सेज किया रहता है, तो वो सारी की सारी डिटेल को हम लोग, यानी उसका जो एजुकेशनल अचीवमेंट्स है उसकी, उसे हम लोग CV कह सकते हैं। लेटर की जो सेकंड टाइप है पर्सनल लेटर, अब हम लोग वो देखते हैं। जैसे कि मैंने बताया था लेटर्स के 2 काइंड्स हैं, ऑफिशियल लेटर जो किसी ऑफिसर को एड्रेस करके लिखे जाते हैं, उसके अपोजिट होते हैं पर्सनल लेटर, ऐसे लेटर जो हम लोग अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स को लिखते हैं। इनकी लैंग्वेज काफ़ी सिंपल होती है, जो हाउस होल्ड बातें हैं वो इसके अंदर आप लोग लिख सकते हैं। पर्सनल लेटर की डेफिनेशन क्या हो सकती है? लेटर्स विच आर रिटन टू फ्रेंड्स और रिलेटिव्स। अब यहाँ पर देखिए, कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन एक होता है, और या तो आप लोगों को उसी क्वेश्चन पर बेस्ड ऑफिशियल लेटर बनाना होता है, या फिर उसी क्वेश्चन पर बेस्ड पर्सनल लेटर बनाना होता है। तो ये जो एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग, कंप्यूटर ऑपरेटर रिक्वायर्ड, इस पर हम लोगों ने पहले एक ऑफिशियल लेटर बनाए और अब हम लोग इस पर एक पर्सनल लेटर बनाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये लेटर आप लोगों को टू योर फादर, अपने वालिद के नाम, आपके डैडी के नाम पर लिखना है। क्या है ऐड? कंप्यूटर ऑपरेटर रिक्वायर्ड। क्या होना चाहिए? HSC होना चाहिए, MSCIT पास होना चाहिए और उसे इंग्लिश आनी चाहिए। एग्ज़ाम में इस तरह से क्वेश्चन आएगा कि आपने ये ऐड पढ़े,
आगे क्या करना है, ऐड तो पढ़ लिया आपने। इमेजिन यू आर शेख रईस असलम, पैराडाइज बिल्डिंग, लेन 3, टीचर्स कॉलोनी, सिल्लोड, 431112। अब अपने आप को ये कंसीडर करना है कि आप शेख रईस असलम हैं और इस एड्रेस पर रहते हैं। और राइट अ लेटर टू योर फादर, एक खत लिखना है, एंड आस्क फॉर हिज परमिशन टू अप्लाई फॉर द जॉब, और उनकी इजाज़त लेना है, परमिशन लेना है कि मैं ये जॉब करना चाह रहा हूँ, तो मुझे ये जॉब करने के लिए आप परमिशन दो। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया अच्छे से? आप लोगों ने एक ऐड पढ़े, आप लोग अपने वालिद को, अपने डैडी को, अपने फादर को एक लेटर लिख रहे हैं और उसमें परमिशन ले रहे हैं आप कि आप एक जॉब करना चाहते हैं, तो मुझे जॉब करने की परमिशन है क्या? किस तरह से लिखना है हम लोग देखेंगे। पर्सनल लेटर है, जैसे कि मैंने बताया था, ऑफिशियल से थोड़ा आसान होता है, इसमें रेफरेंस लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, इसमें सब्जेक्ट लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, इसमें लैंग्वेज भी काफ़ी सिंपल होती है, आसान होती है, तो ये लेटर बहुत ईजी होने वाला है। अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन आप लोग मांगे तो मैं ये कहूँगा कि आप लोग एग्ज़ाम में ये लेटर लिखो। ठीक है, ऑफिशियल लेटर में 7 चीज़ें 8 चीज़ें लिखने से अच्छा है कि आप पर्सनल लेटर में 5 चीज़ें लिखो, काफ़ी सिंपल होता है। आइए हम लोग देखते हैं, अगली हमारी जो वीडियो होने वाली है वो इंटरव्यू इस क्वेश्चन पर होने वाली है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इंटरव्यू कैसे बनाना है, इसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कितने होने चाहिए, इंटरव्यू किस टेंस में होगा, क्या एक लाइन में, एक सेंटेंस में हम लोग एक से ज़्यादा क्वेश्चन कर सकते हैं, जनरल क्वेश्चंस क्या होते हैं जो हम किसी भी सेलिब्रिटी से कर सकते हैं, पर्टिकुलर क्वेश्चन क्या होते हैं जो फील्ड बेस्ड होते हैं, जो फील्ड से रिलेटेड होते हैं, इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स लेकर जल्दी ही हम लोग हमारी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आते हैं बैक हमारे लेटर पर। अभी एक पर्सनल लेटर है, इसमें 5 चीज़ें आनी चाहिए। जब आप लेटर को देख रहे हो तो लेफ्ट मार्जिन से अटैच सारी की सारी चीज़ें आएंगी, क्योंकि ये एक ब्लॉक फॉर्मेट है। सेंडर्स एड्रेस, सैल्यूटेशन और बॉडी, इनके बीच में जो है तो स्पेस आएगा। क्यों? क्योंकि ये निशानी है कि ये एक ब्लॉक लेटर है। टू या DAT, डेट, इस तरह की चीज़ें हम लोगों ने नहीं लिखना है। 5 आइटम इसके अंदर क्या है, सबसे पहले सबसे ऊपर लेफ्ट साइड में आप लोगों ने क्या लिखा, सेंडर्स एड्रेस। ठीक है, उसके नीचे आप लोगों ने क्या लिखा, सैल्यूटेशन। अब देखिए सैल्यूटेशन यहाँ पर पर्सनल लेटर में थोड़ा सा अलग हम लोग दे सकते हैं। 3 नंबर आप लोगों ने क्या लिखा, बॉडी, ये लेटर की बॉडी है। 4 नंबर पर आप लोगों ने क्या लिखा, ल्यू टेकिंग यूअर सन, और लास्ट में आपका नेम। इस तरह से इन 5 चीज़ों से मिलकर एक पर्सनल लेटर बनेगा। ऑफिशियल लेटर मुश्किल होता है क्योंकि उसमें रेफरेंस आता है, उसमें सब्जेक्ट आता है, उसमें रिसीवर्स एड्रेस आता है। इसकी लैंग्वेज भी काफ़ी सिंपल होती है। ये डिटेल हमें को क्वेश्चन पेपर से मिली थी, लेटर कौन लिख रहा है, शेख रईस असलम, पैराडाइज बिल्डिंग, यहाँ पर रहते हैं वो, लेन 3, टीचर्स कॉलोनी, सिल्लोड, 431112, 1 May 2021। जिन्हें लिख रहे हैं हो सकता है कि वो उनसे काफ़ी दूर किसी दूसरे शहर में रहते होंगे। हम लोग कह रहे हैं डियर फादर। डियर एक ऐसा वर्ड है आमतौर पर पर्सनल लेटर्स में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। क्या लिखा है हम लोग, आई एम क्वाइट वेल हियर एंड होप द सेम फॉर यू, मैं यहाँ पर अच्छा हूँ, उम्मीद है आप भी अच्छे होंगे। अब देखिए कुछ सेंटेंसेस हैं जो आप लोगों को रटने पड़ेंगे, याद करना पड़ेंगे, जैसे कि लेटर का एंड किस तरह से होता है, लेटर की स्टार्ट किस तरह से होती है। जैसे ऑफिशियल लेटर है तो उसमें हम लोग लिखते हैं विथ रेफरेंस टू द अबव मेंशन सब्जेक्ट विथ, या फिर यहाँ पर ये लेटर है, आई एम क्वाइट वेल हियर एंड होप द सेम फॉर यू। इस तरह के सेंटेंसेस आपको याद करने पड़ेंगे, रटने पड़ेंगे, ताकि आप किसी भी लेटर में से इंक्लूड कर सको। दूसरी बात, अगर लेटर इस तरह से लिखने के लिए कहा जा रहा है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप किसी बीमारी से परेशान हैं, कोई इशू है आपके साथ में, तब आप लोगों ने ये नहीं लिखना है। ठीक है, वो गलत हो जाएगा कि आप लोग लिख रहे हैं आई एम सफरिंग फ्रॉम डायरिया एंड आई होप द सेम फॉर यू। ठीक है, काफ़ी गलत मतलब पड़ेगा इस लेटर का। तो आप लोग अगर अच्छे हैं, क्वाइट वेल, तब ये उम्मीद करना है कि जिसको आप लिख रहे हैं वो भी अच्छा होगा। अगर आपकी तबीयत अच्छी नहीं है ऐसे आप लेटर में बता रहे हैं, तो आप लोगों ने ये सेंटेंस नहीं लिखना है। आप लोगों ने लिखना है आई एम सफरिंग फ्रॉम दिस एंड दिस बट आई होप कि आप वहाँ पर अच्छे हो। द पर्पज ऑफ दिस लेटर, खत लिखने का जो मकसद है, टू सीक परमिशन फॉर ए जॉब आई एम इंटरेस्टेड इन, मकसद यह है कि मैं आपकी परमिशन चाहता हूँ, एक जॉब है जो मैं करना चाहता हूँ। आई हैव अटैच्ड ए कॉपी ऑफ द एड, कौन सा जॉब है, किस तरह करेंगे, तो ये सारा का सारा एक ऐड में दिया हुआ है, मैंने इसकी कॉपी लेटर के साथ अटैच किया हूँ। आई विल कंटिन्यू माई स्टडीज़ बट आई ऑल्सो वॉन्ट टू अर्न एंड लर्न, कि मैं ऐसा नहीं कि जॉब करना चाह रहा हूँ और पैसे कमाना चाह रहा हूँ, पढ़ाई छोड़ दे रहा हूँ, मैं पढ़ाई भी करूँगा और साथ ही साथ जॉब भी करूँगा, क्योंकि मैं अर्न एंड लर्न ये करना चाहता हूँ, पढ़ना भी और कमाना भी। आई अश्योर यू दिस पार्ट टाइम जॉब वोंट अफेक्ट माई स्टडीज़, मैं यकीन दिलाता हूँ कि इस जॉब की वजह से मेरी पढ़ाई पर कोई ज़्यादा ऐसे असर नहीं पड़ेगा, मेरी पढ़ाई कंटिन्यू रहेगी। टू द कंट्रारी, ये एक फ्रेज़ है, इसका मतलब
इसका उलट, टू द कंट्रारी इसका उलट क्या होगा, इट विल हेल्प मी इन माई ग्रेजुएशन। जैसा कि आप लोग जानते हैं मेरा ग्रेजुएशन जो है तो कंप्यूटर से रिलेटेड है, ये जॉब भी कंप्यूटर से रिलेटेड है, हो सकता है मैं कुछ नई चीज़ें इसमें सीखूंगा। आई विल हैव एक्सपीरियंस टू फेस पीपल, टू बी प्रैक्टिकल एंड यूज़ माई स्किल्स। मुझे मौका मिलेगा नए लोगों से मिलने का, नई चीज़ें सीखने का, प्रैक्टिकल लाइफ किस तरह से होती है इन सारी बातों का। आई एम श्योर यू विल अलाउ मी एज यू ऑलवेज डू, मुझे उम्मीद है कि आप मुझे परमिशन देंगे जॉब करने की, एज यू ऑलवेज डू, जैसे कि आप लोग मुझे हमेशा हर बात की परमिशन देते हैं। थोड़ा सा खुशामद करना है, थोड़ा सा मस्का लगाना है पेरेंट्स को, ठीक है। रेस्ट इज़ ओके, रेस्ट यानी आराम, ठीक है। रेस्ट का एक मतलब होता है आराम, लेकिन यहाँ पर रेस्ट का जो मतलब है वो होगा बाकी सब, REST, रेस्ट यानी बाकी सब। रेस्ट इज़ ओके, गिव माई रिगार्ड्स टू ऑल, हम लोग कहते हैं ना मेरा सलाम बोलो घर पे, तो मेरा हाय बोलो, तो ये उस तरह से है, गिव माई रिगार्ड्स टू ऑल। यहाँ पर लीव टेकिंग है यूअर सन और नेम है शेख रईस असलम। लैंग्वेज जो है आप लोग देख सकते हैं काफ़ी सिंपल है, इससे थोड़ा सा और बड़ा आप लोग लेटर लिख सकते हैं, जनरल बातें हैं जो इसमें ऐड कर सकते हैं कि मेरी तबीयत वगैरह ठीक है, आई एम क्वाइट वेल हियर, मुझे आप लोगों की बहुत ज़्यादा याद आती है, आई मिस यू अ लॉट ऑफ टाइम्स, और जितनी जल्दी हो सके मैं आप लोगों से मिलने के लिए आऊँगा, एंड आई विल कम देयर टू मीट यू एज सून एज पॉसिबल, एज सून एज आई हैव एनफ टाइम। इस तरह से चीज़ें आप लोग इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा पर्सनल लेटर। अगर आपका कोई दोस्त है, कोई रिलेटिव है जो एग्ज़ाम फेस करने वाला है, एग्ज़ाम में अपीयर होने वाला है, तो आप लोग ये वीडियो मैसेज उनके साथ शेयर कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है, आप लोगों ने बेल बटन दबाई है, और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक्स।